आज का हमारा टॉपिक है जावा स्ट्रिंग में इक्वल्स इग्नोर के इस मेथड। इस मेथड के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं, आइए। इक्वल्स मेथड एंड इक्वल्स इग्नोर केस मेथड में फ़र्क इतना ही है कि इक्वल इग्नोर केस मेथड में केस का कोई फर्क नहीं होता है, चाहे वो लोअर केस में है या अपर केस में है, बट करेक्टर सेम होनी चाहिए। जबकि इक्वल मेथड में क्या था कि करेक्टर तो इक्वल होनी चाहिए और साथ में साथ जो उसका केस होना चाहिए वो भी इक्वल होना चाहिए। अगर लोअर पहली स्ट्रिंग का करेक्टर है तो दूसरे का भी लोअर ही होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें कंडीशन ट्रू है तभी हमारा आउटपुट जो होता था वो ट्रू होता था, अदरवाइज फॉल्स होता है। जबकि इक्वल्स इग्नोर केस मेथड में ऐसा नहीं है, इसमें करेक्टर तो सेम होना चाहिए बट उसका जो केस है वो लोअर है अपर है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर करेक्टर सेम है तो हमें आउटपुट ट्रू मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स। आइए इसके कॉन्सेप्ट के बारे में हम समझते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पर हम एक स्ट्रिंग लेते हैं, ओके, और इसमें S1 लेंगे और इसमें हम कुछ स्ट्रिंग देते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लेते हैं स्टुअर्ट और इसी को हम 3 बार कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं पहले स्टुअर्ट हमारा एस कैपिटल है जबकि इसका स्मॉल है, ओके, और तीसरे का, और यहाँ पे हमारा इसका ले लेते हैं कोई दूसरा नाम ले लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे जॉन ले लेते हैं, ओके। अब इस स्टुअर्ट में हम यहाँ पर ये भी कैपिटल दे देते हैं, ओके। यहाँ पर हमारा ये S1 है, इसको हम S2 कर देते हैं, उसको S3 करते हैं और इसको S4 करते हैं। कुछ इस तरह से हम इसका कंपेरिजन कराएंगे। और यहाँ स्ट्रिंग का जो ये हमारा नेम है यहाँ पर T रहना चाहिए सभी के पीछे, हमारे T नहीं है इसमें, तभी हम T देंगे, ओके। कुछ इस तरह से। और यहाँ पर हम 1 बाय 1 सभी को प्रिंट कराते हैं, तो देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आएगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट पहले, अब हम पहले को दूसरे से कराते हैं कंपेरिजन, तब भी हमारा जो आउटपुट रहेगा वो सेम ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो पहले स्ट्रिंग का करेक्टर है और दूसरी स्ट्रिंग करेक्टर उसकी करेक्टर तो सेम है बट केस में डिफरेंट है, ओके। तब भी हमारा आउटपुट सेम आएगा ट्रू वाला, कैसे देखते हैं। S1 डॉट इक्वल इग्नोर केस और इसमें हम दे देते हैं S2। तो यहाँ पर हम अगर इसका आउटपुट देखें इसका ट्रू आएगा, कैसे, चलिए पहले कंपाइल कराते फिर दूसरे को कराए, यहाँ पर हमारा क्या आ गया ट्रू आ गया, ओके। इसी तरह से अगर हम पहले को अगर दूसरे से कराएं तीसरे से कराएं तब भी हमारा आउटपुट ट्रू ही रहेगा क्योंकि दोनों सेम है तब भी, लेकिन अगर जैसे हम पहले को चौथे से कराएंगे तो हमारा फॉल्स आएगा क्योंकि यहाँ पे जो कैरेक्टर है वो डिफरेंट है एक दूसरे से, ओके। कुछ इस तरह से हमारा आउटपुट आएगा, बाकी 2 देखिए ऊपर वाला ट्रू है जबकि नीचे वाला फॉल्स है। आई होप आपको इक्वल्स इग्नोर केस मेथड एंड इक्वल्स मेथड में डिफरेंट समझ आया। इसी तरह से हम इफ कंडीशन के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। वाई इफ कंडीशन थ्रू कुछ इस प्रकार से चेक करेंगे हम। यहाँ पर हम देते हैं S1 डॉट इक्वल इग्नोर केस लगाएं और यहाँ पर हम किससे कंपेयर करवाते हैं S2 से, दोनों का क्या है करेक्टर तो सेम है बट जो केस है वो डिफरेंट है, तब भी हमारा आउटपुट आएगा ट्रू ही आएगा, ओके। तो इसके लिए हम यहाँ पर देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln और यहाँ पर एक मैसेज देते हैं बोथ स्ट्रिंग आर इक्वल्स, और जैसे हम कंपाइल कराएंगे ये हमारा मैसेज आ गया बोथ स्ट्रिंग आर इक्वल्स, कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं। और जिस तरह से हम एरे लिस्ट को इक्वल मेथड में यूज करते हैं उस तरह से एरे लिस्ट को भी हम यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया हो कि दोनों में डिफरेंस क्या है, ये मेन